हो गया 10 महीने के सफर पे पहला एक्सीडेंट हुआ मेरा। ये देख लो, नींद जो है ना बिल्कुल भी पूरा नहीं हुआ रहने का। तो लोगों का पता नहीं क्या सोच है, मेरे को यही बोलते हैं सब लोग कि मेरे को राहुल वो अंकल ना ये सोच रहा था कि मैं पैसा नहीं दूंगा, इसके वजह से मुंह पे मना कर दिया। बता, और खाने पे बनने वाला है दाल और आलू चोखा चावल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सब कैसे हो? आई होप कि सब एकदम बढ़िया, मस्त एंड खुश हो। तो आज है मेरा डे 210 और कल रात में इसे पेट्रोल पंप में रुका हुआ था, देख सकते हो। नींद जो है ना बिल्कुल भी पूरा नहीं हुआ रहने का। तो पहले जो है अलाउ नहीं कर रहा था इस पेट्रोल पंप में, फिर मैंने वीडियो बनाना चालू किया, बोला कि गुजरात में ऐसा ऐसा पेट्रोल पंप में रहने ही नहीं मिलता। फिर एक लड़का ने सुन लिया, तो उसने जो है ना रहने के लिए दिया है, लेकिन रात में 1 बजे के लिए, 1 बजे टेंट लगाने के लिए बोला। तो 1 बजे के टाइम पर जो है ना इस जगह पर टेंट लगाया था और सुबह 5 बजते ही जगा दिया। तो 1 बजे से लेकर 5 बजे तक क्या नींद होता है, नींद ही पूरा नहीं हुआ, अच्छा नहीं लग रहा, साइकिल चलाने में अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। और एक परेशानी, ये देखो इसका जो टायर है आगे वाला, पंचर तो नहीं हुआ लेकिन इसका वॉल ख़राब हो गया है ये वाला। तो इसको दोबारा देखते हैं क्या होता है, चेंज कराना पड़ेगा। बाकी जो भी है, अभी मैं ड्राई फ्रूट खा रहा हूँ, देख सकते हो थोड़ा सा गीला करके रखा था, चना बादाम वगैरह। ड्राई फ्रूट वगैरह खा के अभी पैदल पैदल जा रहा हूँ इसका वॉल चेंज करने के लिए, देखते हैं कहाँ पर मिलता है। आगे शायद होगा वो ट्यूब टायर दिख रहा है लटका हुआ, दूर से जो दिख रहा था ना टायर ट्यूब लटका हुआ है, पंचर का दुकान ये देख सकते हो वो था, लेकिन वहाँ बंद है और वो खुलता भी नहीं है। तो वहाँ वेट करके कोई फ़ायदा नहीं, आगे की तरफ चलते हैं, आगे ओवर ब्रिज के नीचे शायद हो, क्या पता। और एक दुकान पे आया था, ये देख सकते हो ये टायर वे लटका हुआ है, लेकिन ये भी बंद है। और ओवर ब्रिज जो है एंड होने वाला था, देख लो अभी दोबारा 500 मीटर जाना पड़ेगा उधर, फिर अंदर जाके उस साइड में बोल रहे हैं और एक दुकान है वो खुला हुआ होगा, तो देखते हैं उधर जाके भी क्या होता है। दूसरा और एक दुकान पे आया था, ये देख सकते हो ये दुकान है, ये भी क्लोज हो रखा है क्योंकि अभी टाइम जो है ना 7:30 ही बज रहा है और ये सब दुकान 8-9 बजे खुलता है। तो मैंने जो है ना अपना छोटा वाला हवा निकाल लिया, तो थोड़ा बहुत हवा डाल दिया हूँ, कम से कम थोड़ा सा चला सकते हैं। ये वाल लीक कर रहे हैं, इसमें से हवा चल जा रहा है बार बार, और ये वाला पंप भी ख़राब हो गया, इससे होता भी नहीं अच्छे से हवा अभी। तो अभी थोड़ा चलने लायक है, तो थोड़ा आगे जाके देखते हैं क्या होता है। अभी यहाँ से निकल ही रहा था, तो देख सकते हो दुकान ओपन हो चुका है, ये साइकिल का दुकान है देख लो, लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं वाल टाइट नहीं होता है। पता नहीं यार क्या है यहाँ पर सिस्टम, कुछ समझ नहीं आता गुजरात का। बाकी जो भी है, जय श्री राम का नाम लेके आज का भी राइड को करते हैं स्टार्ट। और सोमनाथ का डिस्टेंस देखना पड़ेगा, पता नहीं कितना है। तो अभी चलाते रहते हैं, दूसरा दुकान में पहुंचते हैं, इसका वाल सबसे पहले टाइट कराते हैं, नहीं तो नहीं चला पाएंगे साइकिल। तो दूसरा दुकान में आके पहुंच चुका हूँ, ये देख सकते हो ये भैया रिपेयर कर रहे हैं अभी, तो अभी हो जाएगा वाल का काम भी। वो अंकल ना ये सोच रहा था कि मैं पैसा नहीं दूंगा, इसके वजह से मुँह पे मना कर दिया। बताओ यार, पता नहीं लोग क्या क्या समझते हैं ये सब सेटअप देख के। जो भी है अभी इसको रिपेयर कराते हैं, साइकिल तो मस्त रिपेयर हो चुका है और भैया ने जो है ना 1 भी रुपये नहीं लिया। सुबह अभी दुकान स्टार्टिंग ही किया था, फोन ही नहीं हुआ, फिर भी भैया ने मेरे से पैसा नहीं लिया। चलो भैया बिजी है, नहीं तो भैया से मिला देता। तो चलो स्टार्ट करते हैं, नहीं चाय पी लेते सबसे पहले, तो चलो चाय का दुकान है, चाय शाय मस्त पी लिया। और ये भैया था जिन भैया ने रिपेयर करके दिया, 1 भी रुपये नहीं लिया। भैया क्या नाम है आपका? 8 साल। अच्छा 8 साल। और कहाँ से? बिहार से। बिहार से हो? और ये साथ में और एक भैया भी है, तुम्हारा क्या नाम है? एजाज है, मकरानी एजाज। मकरानी एजाज, अच्छा कहाँ से हो? गुजरात से। गुजरात से? तो गुजरात से। तो शुक्रिया भैया, आपने फ्री में ठीक करके दे दिया। आज सुबह सुबह बोनी भी नहीं होता शायद, बोल रहे ऐसा होना चाहिए दिल किसी और का, तो मतलब बोनी नहीं हुआ तो मेरे को रिपेयर ही नहीं करके देगा, ऐसा ऐसा भी लोग मिलता है। भाई को सपोर्ट करिएगा मस्त, इतना वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं, हमें तो मालूम नहीं है, समझ गए, शुक्रिया। और सोमनाथ का जो डिस्टेंस है कुछ 180 किलोमीटर है, कल मैंने ज़्यादा साइकिल नहीं चलाया था, कल सिर्फ 52 किलोमीटर चलाया था क्योंकि कल टायर वायर ब्लास्ट हो गया था, तो इन सब के चक्कर में ज़्यादा चलाना नहीं हुआ। तो अभी चलाते रहते हैं, कल परसों शायद सोमनाथ पहुँच जाएंगे। साइकिल चलाता हुआ दोपहर का टाइम कुछ 12 बज चुका है, और सुबह से लेके अभी तक मैंने 40 किलोमीटर साइकिल चला चुका हूँ। और सुबह जो चाय बिस्किट खाया था वही है, उसके बाद मैंने और कुछ नाश्ता वगैरह नहीं किया क्योंकि दुकान वैसा मिल ही नहीं रहा था नाश्ते के लिए, तो इसके वजह से किया नहीं। और आज जो है ना एक सीन हो गया, 10 महीने के सफ़र पर पहला एक्सीडेंट हुआ मेरा। ये देख लो उंगली से खून वून निकल रहा है, और ज़्यादा कुछ नुकसान तो नहीं हुआ,
ये सिर्फ जूता फट गया थोड़ा सा, और ये जो आराम सेल्फ्स है इसमें थोड़ा सा स्क्रैच आ गया। इस चीज़ के लिए ना मेरे को बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि ये जो है ना बहुत महंगा आता है, 400 रुपये का आता है। बहुत दुख हो रहा है। और रीज़न जो है ना, ये पैंडल है, मैं खड़ा होकर थोड़ा साइकिल चला रहा था, यहाँ पर पैंडल टूट गया अचानक से, तो मैं अचानक से गिर गया। और भगवान का शुक्र है कि मैं हाईवे पे नहीं गिरा, मैं सर्विस रोड से चल रहा था तो सर्विस रोड पे गिरा, और दोपहर का टाइम है, गाड़ी उड़ी कुछ भी नहीं चल रहा था, तो इसकी वजह से अच्छा हुआ। और यहीं पे एक चीज़ देखने के लिए मिला मेरे को, मैं सर्विस रोड से चल रहा था तो जहाँ पर गिरा वहाँ पर दो दुकानें था, दुकान पर वहाँ पर मालिक लोग सामने बैठा हुआ था, तो गिरा लेकिन कोई भी नहीं आया मेरे को उठाने के लिए, मेरा सामान वगैरह सब इधर उधर बिखर गया, सब लोग बैठ के सिर्फ देख रहा था दुकान पर। ये जो फ्लैग लगा रखा हो ना, इसका कोई मतलब रेस्पेक्ट ही नहीं है। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को आके उठाओ, लेकिन फिर भी एक इंसानियत नाम का भी चीज़ होता है, मतलब गिर गया कोई तो उसका मदद करते हैं। रोड पे गिरा है, सामान वामान सब बिखर गया, गाड़ी उड़ी कभी भी आ सकता है, लेकिन कोई भी नहीं आया। बाकी चलो छोड़ो, ये सब होता रहता है जर्नी पे, यही सब देखने के लिए मिलता है। तो अभी इस पर जो है ना थोड़ा बहुत पानी वानी से धो के कुछ लगाते हैं, डेटोल फेटोल। और चाय की दुकान से जो है ना मैंने एक पैकेट दूध का पैकेट लिया, तो उसी से अभी कुछ बना के खाएंगे। और यहाँ पर ना एक चीज़ बोलता हूँ आप लोगों को, मतलब ये तो बोलना नहीं चाहिए वैसे वीडियो में, लेकिन ये चीज़ आप लोगों को बोलता हूँ, जब मैं नॉर्थ इंडिया में आया हूँ ना, तो लोगों का पता नहीं क्या सोच है, मेरे को यही बोलते हैं सब लोग कि मेरे को राहुल गांधी ने भेजा। तो मतलब यहाँ पर सामने साफ सीधी करके लिखा हुआ है आसाम टू ऑल इंडिया साइकिल राइड 28 स्टेट 6 UT, फिर भी पता नहीं लोग क्या सोचता है, लगता है कि कांग्रेस ने भेजा मेरे को और मैं कुछ करने वाला हूँ इधर, इसीलिए ना लोग पता नहीं किस नज़र से देखता है। बाकी ये हर किसी को नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन कुछ कुछ लोग करता है ऐसा, तो मैं वीडियोस में आज बोल रहा हूँ, इसके लिए आप लोग कमेंट मत करना मेरे को कि क्या बोल रहा हूँ ना भाई ये सब तुम, लेकिन जो रियलिटी है मैं आप लोगों को बताया आज वीडियो में। बाकी चलो छोड़ो, ये सब तो होता रहेगा, एक आधा का अगर 100 बंदा है तो उसमें से 10 बंदे का सोच जो है ना वैसा ही है, तो समझ लो आप लोग। बाकी जो भी है, चेतक का भी कोई नुकसान नहीं हुआ, तो अभी जो मैंने दूध लिया उससे कुछ बनाते हैं। दूध से जो है ना वैसा कुछ नहीं बनाया, इसे डब्बे में दूध डाला, और यहाँ पर काफ़ी अलग अलग बिस्किट था, सब मीठा गुड्डे फुड्डे और भी कुछ था अलग अलग कंपनी का, तो ये सब मिक्स कर दिया, दलिए की तरह बन गया। ऐसा जो है ना बचपन में बहुत खाता था, काफ़ी अच्छा लगता है खाने में अभी भी। बिस्किट दूध खाने के बाद जो है ना यही पे तिरपाल बिछा के मस्त सो गया था कुछ, मैंने यहाँ पर 12 बजे के टाइम पर रुका था, और अभी जो टाइम हो चुका है कुछ 5:26 देख सकते हो, काफ़ी टाइम यहाँ पर रेस्ट लिया, शरीर पूरा थक गया था, कल रात में नींद ही नहीं हुआ, तो यहाँ पर थोड़ा मस्ती से सो लिया, तो अभी राइड को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। राइड स्टार्ट करने के बाद जो है ना मात्र 3 ही किलोमीटर साइकिल चलाया था, उसके बाद मेरे को एक बहुत ही सुंदर सा मंदिर दिख गया था, ये देख सकते हो काफ़ी बढ़िया स्थान है यहाँ पर रुकने का, हनुमान जी का मंदिर है। तो मैं बिना टाइम वाइम देखे यहाँ पर आ गया, ये नहीं देखा कि कितना टाइम और रह गया मेरे हाथ में राइड करने का, सिर्फ ये देखा कि अच्छा जगह है यहाँ पर रुकने का, तो यहाँ पर आ गया और बाबा जी से परमिशन मांगा, तो बाबा जी ने अलाउ कर दिया, कह रहे रुक सकते हो यहाँ पर, और खाने पीने का खुद बना के खाना पड़ेगा, तो मेरे साथ तो सब कुछ है ही, और यहाँ पर पानी होने का अच्छा सुविधा है, तो खाना पीना भी बना लेंगे। और वैसे भी इतना तेज़ी का हवा चल रहा है ना, राइड करने का दे ही नहीं रहा, साइकिल डायरेक्ट साइड में गिरा दे रहा है, तो इसकी वजह से अच्छा जगह मिल गया, तो अभी मस्त पहले खाना पीना बनाएंगे। तो नहा धो के फ्रेश होके मस्त अपना खाना बनाना स्टार्ट कर दिया हूँ, और खाने पे बनने वाला है दाल और आलू चोखा चावल, तो आलू और चावल तो इधर बिठा दिया हूँ, तो अभी इसको पकने का वेट करते हैं, उसके बाद दाल बनाएंगे। और यहाँ पर जो है ना कुछ वेस्ट बंगाल का भाई लोग मिला था, तो उन लोगों ने मेरे को खाने के लिए ऑफर किया रात में, मतलब मेरा साइकिल देखा ना वहाँ पर लिखा हुआ है साउंड टू ऑल इंडिया, तो मेरे से आके बात किया, तो कह रहे हमारे उधर ही खाना खा लो, तो मैंने बोला अभी तो बिठा दिया वो खाना, बट कोई नहीं कल सुबह खा लेंगे तुम लोगों के उधर, तो कल सुबह उन भैया लोगों से भी मिला दूंगा और उधर खाना भी खा लेंगे सुबह। तो अभी मस्त चावल बनने का वेट करते हैं, चावल अपना मस्त बन चुका है, और अभी दाल भी बिठा दिया हो, ये देख लो दाल बन रहा है, और चावल में जो है ना अच्छे से उबला नहीं था आलू, तो दोबारा दाल में डाल दिया, और ये देख लो यहाँ का मिर्च कितना बड़ा बड़ा मिर्च, बिल्कुल भी तीखा नहीं है, ये अचार में डालने वाला मिर्च है, और इधर चावल भी मस्त बन चुका है, तो अभी दाल बनने का भी वेट करते हैं। तो खाना अपना मस्त बन चुका है, और ये देखो चावल है, और बाबा जी ने साग दे दिया थोड़ा बहुत, और अचार है, और रोटी वगैरह दिया बाबा जी ने, और दाल उधर बना हुआ है, तो मस्त अभी इस खाने को खाते हैं। खाना पीना अपना मस्त हो चुका है, तो इस ब्लॉग को जो है ना यही पेंड करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट डे पे, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।